सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए निकालते हैं आज की अहम खबर पर। कल की ये रिपोर्ट है, हमारे तेलंगाना स्टेट में कोरोना वायरस के 1640 केसेस को पॉजिटिव पाया गया। वहीं पर हमारे AIMIM के MLA जो कि तलापट्टे के MLA है आली जनाब अहमद पाशा खादी साहब ने आज तलापट्टे में कोविड टेस्ट के एक हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन किया। वहीं पर और एक खबर हम आपको बताते हैं जो कि नामपल्ली से है। नामपल्ली के एक नौजवान ने इंसानियत को कायम रखते हुए एक मैसेज पहुंचाई सभी हमारे देशवासियों के लिए, क्योंकि एक बुजुर्ग शख्स रस्ते से जा रहे थे, उनका एक्सीडेंट हो गया और वो गिर पड़े। वो गिरने के बाद एक नौजवान आगे बढ़कर उनकी मदद किया, एम्बुलेंस को फ़ोन किया और जो बुजुर्ग शख्स थे उनके घर वालों को फ़ोन कर उनके घर वालों को भी बुलाकर उस बुजुर्ग शख्स को जो है हॉस्पिटल रवाना किया। उस बुजुर्ग आदमी का नाम था जॉन और जो मदद कर रहे थे वो साहब है मुस्लिम। तो देखिए, गंगा जमुना तहजीब आज भी बरकरार है हमारे स्टेट में और हमारे देश में। खैर, दुश्मन हिंदुस्तान के लोग तो यही चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में लड़ते रहे और कुछ सियासतदान अपना अपना लूट सीधा करते रहे। तो बहरहाल, ये थी हमारी आज की खसूसी खबर। हम आपको दिखाते हैं आज की खसूसी खबर की झलकियाँ। आपके प्रेजेंस में पहले आपके में आप है करा मेरे को क्या ऊपर ऊपर दिन साहब सदर मजलिस पार्लियामेंट की हिदायत पर आज तलापट्टे में अमान नगर बी में एक कम्युनिटी हॉल के अंदर कोरोना के टेस्टिंग का सेंटर कायम किया गया। सर साहब की हिदायत पर हेल्थ मिनिस्टर इटला राजेंद्र साहब को लेटर दी गई थी, जाकुतरे में 6 सेंटर कायम करने के लिए, जिसमें से यहाँ का भी है। अभी उसका इफ्तिताह हुआ। एरिया के कॉरपोरेटर नसीन सुल्ताना साहब अभी इसमें मौजूद हैं, हमारे PI के तमाम लोग हैं। माशाल्लाह से इस इलाके के लोग काफ़ी तादाद में सेंटर से इस्तेफादा कर रहे हैं। फिर भी आपके चैनल के ज़रिए आवाम से अपील की जाती है, मजलिस इत्तेहादुल्मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर सेंटर कायम किए जा रहे हैं। हर शहरी की जिम्मेदारी है कि वो अपना टेस्ट करा ले, अपनी सेहत का ख्याल रखे और उसके बाद जो जो हिदायतें हैं उस पर अमल करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहे और गर्म पानी का स्टीम ले, उनको ना पानी पिए, नमक डाल के गरारा करें। ये तमाम तदाबीर इसके एहतियाती है, उस पर अमल करते हुए अपनी ज़िंदगी, अपने घर वालों की ज़िंदगी तमाम की महफूज रखे। इंशाल्लाह इस तरह कोरोना वायरस का खात्मा होगा और मजलिस इत्तेहादुल्मुस्लिमीन दिन रात आवाम की खिदमत करते हुए उनकी जान की हिफाजत के लिए मुख्तलिफ़ इक़दामात के ज़रिए
उनको इस्तीफे का मौका फराहम कर रही है। शुक्रिया। है, मैं नामपली में रहता हूँ। मैं रास्ते से जा रहा था, कोई बुजुर्ग आदमी का एक्सीडेंट हो गया था, जॉन बोल के उनका नाम है। तो मैं उनके घर वालों को फ़ोन करके एम्बुलेंस को बुला के उनके उनको हॉस्पिटल पहुँचा दिया और उनके बेटे आके लेके गए। अभी ऐसा कुछ नहीं है कि भाई उन्हें हिंदू है या मैं वो हूँ, मैं एक इंसानियत के नाते ये काम कर रहा था उनको। उनके उनके बेटे आए तो मैं उनको फ़ोन करके उनका उनका मोबाइल और उनकी गाड़ी को हैंड ओवर कर दिया। यहाँ पर उनके बेटे उनकी गाड़ी रखे गए हुए देख ले सकते हैं। उनके बेटे फिर यहाँ पर से जो है ना उनको यशोदा हॉस्पिटल लेके गए सिकंदराबाद के। बोल के बोले A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल 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 आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, BT रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235, अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद।